बबल सॉर्ट कंसेप्ट ये देखो क्या है, ये बबल सॉर्ट किया है, मैं इसको वापस नॉर्मलाइज कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, वापस यहाँ पे मैंने आई यूज़ किया है, राइट। आई अभी पूरा का पूरा चलाएंगे, 9 तक चलाएंगे, ठीक है। अब जे का रोल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जे विल स्टार्ट फ्रॉम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। जे हमेशा 0 से चालू होगा, ठीक है, 0 0 0 0 0 से चालू होगा। अब स्टॉप कहाँ होगा, जे इज़ लेस देन एन माइनस आई माइनस वन, तो अब जे 0 है, यहाँ एन हमारा क्या है, एन हमारा 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब जे आई 0 है, जे 0 से चालू होगा, अब एन माइनस आई माइनस वन क्या होगा, व्हाट इज एन, यहाँ अगर मैं बोलूँ एन 10 है, माइनस आई यानी दिस, माइनस वन यानी दिस, यानी 0 से लेस देन 9 यानी 8 तक, 0 से 8 तक चलेगा ना, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जे ऐसे चलेगा। अब अगली बार क्या होगा, आई इंक्रीज हो गया 1, तो जे 7 तक चलेगा, फिर 6 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 3 2 1 एंड नन, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जे, ठीक है। ये 0 तक चलेगा बस, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और फिर इसके कंसेप्ट को समझते हैं, ध्यान से समझना, आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पे पहले दो दो नंबर कंपेयर होंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे, जे हमारा देखो 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, अब हमारी वैल्यू तो 9 तक है, तो अगर जे 0 है तो जे प्लस 1 क्या होगा, 1। अगर जे 8 है तो जे प्लस 1 क्या होगा, यानी हम 9 तक पहुंच जाएंगे, 9 तक पहुंच जाएंगे ना, लास्ट वैल्यू 9 है ना, जे प्लस वन वन से जे नाइन प्लस वन होगा। मतलब क्या, नहीं जे प्लस वन क्या हुआ, मतलब जे प्लस वन जो जे की वैल्यू होगी प्लस वन, अब जे की वैल्यू 8 आ रही है एक बार, तो यहाँ जे कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो हम यहाँ कंपेयर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, कंपेयर ये करेंगे, इफ राइट एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन। अब दोनों साइड बाय साइड वैल्यू कंपेयर करने वाले हैं हम। अब सबको मैं हटा देता हूँ पहले, कि ये हमारी वैल्यू ये है 0 में, ठीक है ना। अब 13 इज ग्रेटर देन 38 है या नहीं, नहीं कुछ मत करो। 38 इज ग्रेटर देन 49, नो। 48 इज ग्रेटर देन 19, यस। देन ये दोनों को स्वैप करो, राइट। फिर इसको यहाँ स्वैप करेंगे, इधर लाएंगे, 19 इधर 49 इधर, स्वैप हो गया। अब 49 इज ग्रेटर देन 40, यस। फिर से इसको स्वैप करो, नाउ 9 इज 49 इज ग्रेटर देन 9, फिर से इसको स्वैप करो। 23 इज ग्रेटर देन 49, और 49 इज ग्रेटर देन 23, यस। फिर से इसको स्वैप करो। 49 13 से भी बड़ा है, यस, इसको भी स्वैप करो। 25 से भी बड़ा है, इसको भी स्वैप करो। 48 से भी बड़ा है, इसको भी स्वैप करो। तो इसमें क्या हुआ, जो बड़ा नंबर है वो लास्ट में चला गया। अब इसको ब्लॉक जे वापस यहाँ आने वाला है क्या, अभी अभी हम देखो वापस 9 पे कभी पहुँचने वाले, नो। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ब्लॉक हो गया, दिस इज ब्लॉक, द हाइएस्ट नंबर गॉन टू दी बॉटम साइड। बबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, बबल क्या होता है, बबल बबल कैसे निकलता है, फुड़ करके बाहर निकलता है, क्या होता है, जब लाइट वेट हो जाता है तो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट वैल्यू बाहर आ रही है, हैवी वैल्यू नीचे जा रही है, समझे। अभी देखो दिखेगा, अभी वापस यहां से शुरू होगा, 13 38 से बड़ा है, वापस ये वैल्यू अभी ये बच गया ना, अब इसमें वही कंपेरिजन चालू होगा। अब 13 38 से बड़ा है, नहीं, 38 19 से बड़ा है, हाँ, इसको स्वैप करो। 38 40 से बड़ा है, नो। 40 से बड़ा है, ये सॉरी 49 से बड़ा है ना, इसको स्वैप करो। यहाँ भी स्वैप करो, यहाँ भी स्वैप करो, यहाँ भी स्वैप करो, लेकिन 40 48 से बड़ा है, नहीं, तो लेट टू डी द, ये दोनों यहाँ रहेंगे। अब मुझे बताओ, क्या 48 दोबारा चेक होने वाला है यहाँ, नहीं, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी जे हमारा सिर्फ 6 तक चलेगा, समझ रहे ना। फिर वापस 13 और 19 कंपेयर होंगे, अभी अभी इनकी कंपेरिजन चालू होगी, क्या 13 19 से बड़ा है, नहीं। क्या 19 38 से बड़ा है, नहीं। क्या 38 9 से बड़ा है, हाँ, 9 को इधर ले लो। क्या 38 20 से बड़ा है, हाँ, 23 को इधर ले लो। 13 से बड़ा है 38, हाँ, इधर ले लो। 25 से बड़ा है, हाँ, इधर ले लो। 40 से बड़ा है, नो, तो 40 को वहीं रहने दो और इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये भी ब्लॉक हो गया क्योंकि जे वापस इधर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी 5 + 1 मैक्सिमम 6 तक ही आएगा जे, है ना। तो समझ रहे हो ना, हैवी वैल्यू देखो पीछे जा रही है, लाइट वैल्यू आगे आ रही है, राइट। इस तरह से अब वापस इसको कंपेयर किया जाएगा, सेम थिंग।
अब मैं कंपैरिजन अपने आप करके देखो, दिखा रहा हूँ स्वैप करके, ठीक है, ये यहाँ पे इधर आ जाएगा और डन, ये हो जाएगा आपका ब्लॉक, है ना, दैट इज ब्लॉक्ड एंड दैट इज गॉन डाउन। अब इनको कंपेयर किया जाएगा, नाउ इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, राइट, देन ये इधर आ जाएगा, देन नो चेंजेस। अब देखो इसके बाद कहीं भी सॉर्टिंग दिख रहा है, जरूरत बाकी बच रही है, सॉर्ट हो ही गया, राइट, यहाँ पे सॉर्ट हो ही गया, लेकिन फिर भी कंपैरिजन होगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे ये तो वैल्यू इस हिसाब से सेट हुआ, राइट, ये प्रोसेस चलेगा फिर भी, समझ रहे, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रोसेस तो टिल तब तक चलेगा जहाँ तक हमारा लूप खत्म नहीं होता है। यहाँ वैल्यू उस हिसाब से सॉर्ट हो गई है और फिर यहाँ पे ऐसे ये ब्लॉक हो गया, तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू फाइनली सॉर्टेड हुआ, समझ आया, ये था कंसेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट। अब इसको कोड में करते हैं, यही वाली चीज को देखो, यही लिखा है वैल्यूज, यहाँ एरे ऑफ 10 दे रहा हूँ मैं, साइज भी 10 दे रहा हूँ, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज प्रिंट करेगा आफ्टर सॉर्टिंग थ्रू बबल सॉर्ट। देखो 0 से लेके n तक गए, ये लेस देन आई, वही लिखा ना, आई वही है 0 से लेके लेस देन n, मैंने यहाँ से 9 नंबर हटा दिया भले, लेकिन वो चलेगा इतना ही, क्योंकि जे हमारा n माइनस 1 भी कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जे 0 से चल रहा है n माइनस आई माइनस 1, वही लिखा ना उधर, क्यों ऐसा बताया आपको मैंने, क्योंकि जे प्लस प्लस कर गए, प्लस 1 एक बार करना है हमें, ठीक है, और जे प्लस प्लस, अब वही चेक किया, एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन जे प्लस 1, जो मैंने आपको बताया, वही प्रोसेस जो मैंने बताया वो प्रोसेस कंप्यूटर अंदर करेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो स्वैप करो जो हमने किया, उसके बाद में ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, फिर स्टेप पूरा होने के बाद में ये वाली वैल्यू, जो बोला पहले स्टेप में ये वैल्यू आया, फिर में ये सारे सिक्वेंस फाइनल ही है, तो अगर आपको खाली फाइनल प्रिंट करना है तो इस पूरे लूप को बाहर लिखो, और अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो इस लूप के अंदर दोबारा आई के अंदर दोबारा जे को रीयूज करो। लेट अस चेक कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। टी डिक्लेयर नहीं किया है तो डिक्लेयर कर देते हैं, देखो आ गया, राइट, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2D कर देते हैं, स्टेप में जो आ रहा है ना, लेट अस सेट फॉर 2D, और यहाँ देखोगे ये आपका आउटपुट आ गया, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन करके आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ, और देखो यहाँ पे आप वैल्यू कंपेयर करो, इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया ये, हाँ सी दिस थिंग, ये वैल्यूज वही है, 13, 38, 19 पहली वाली, राइट, ये देखो, राइट, ये ओरिजिनल है हमारा 13, 38, 49, 19, 40, 9, 23, राइट, 13, 25, 48, अब देखो फिर 13, 38, 19, 40, 9, 23, 13, वही है, देखो 0 है यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ ऑलमोस्ट कहाँ तक अपना हो गया, स्टेप नंबर 4 तक सारा हो गया था, यानी स्टेप नंबर 5 तक देखो, उसके बाद देखो सारी वैल्यूज वही है ना, दिस इज वेयर द बबल सॉर्ट कंसेप्ट वर्क्स। क्वेश्चन है कोई, दस स्टेप दिखा देना, हाँ वो यहाँ दिखा सकते हैं, मैं वहाँ कम कर सकता हूँ ना, मैंने क्या बताया, आई को 0 से हमने एन तक चलाया, आप एन माइनस 1 कर दो ना, यहाँ पे आप एन माइनस 1 कर दो, 9 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चंस, शेयर कर लो ये प्रोग्राम आपके साथ, ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट देखते हैं अभी हम क्या करेंगे।